हेलो गाइस, मैं हूं गुरमीत और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रीति आर्टवर्क में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पेंटिंग ऑन गुड फ्राइडे। तो इस पेंटिंग को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूं कैमल कंपनी का आर्टिस्ट वाटर कलर। 300 GSM का पेपर यूज़ कर रही हूं मैं, छोटा साइज का पेपर यूज़ कर रही हूं। आप चाहे तो बड़ा साइज का पेपर ले सकते हैं। फेबर कैसल के मैं ब्रशेज़ यूज़ कर रही हूँ। एक कंटेनर लिया है वाटर के लिए। हमें कलर्स को अच्छे से वाटर से वेट कर लेना है। हमें बड़े ब्रश की हेल्प से कलर करना है। सबसे पहले हम लाइट रेड अप्लाई कर रहे हैं। एक कोट सूखने के बाद हमें दूसरा कोट करना है कलर का। अब मैं कर रही हूँ गोल्डन येलो सन दिखाने के लिए। हमें मिडिल में वाइट स्पेस छोड़ना है। अब मैं लाइट स्काई कलर कर रही हूँ। दोनों कलर्स को अच्छे से मिक्स करना है। दोनों कलर ज़्यादा डार्क अप्लाई नहीं होना चाहिए। अब हम हिल का एक शेड डार्क करेंगे। मैंने मार्किंग टेप की हेल्प से पेपर को रफ पेपर पे चिपका दिया है। आप चाहे तो किसी प्लेन सरफेस पे चिपका सकते हैं पेपर को। इससे जब हम कलर करेंगे तो वो बाहर नहीं जाएगा और हमें अच्छा बॉर्डर मिलेगा पेंटिंग पे, जो पेंटिंग का अच्छा लुक देगा। अब हम हील पे एक शेड डार्क करेंगे। ऐसे ही हम एक शेड डार्क करते जाएंगे। लास्ट में हम ब्लैक मिक्स करके करेंगे और ब्राउन। मैं लाइट रेड कलर से क्रॉस बना रही हूँ और इस पे जो मैं शेडिंग करूँगी वो डार्क रेड कलर से करूँगी। अब मैं डोम्स कंपनी के ब्रश पेन से गुड फ्राइडे लिख रही हूँ। ब्रश पेन से लिखने से पहले आप पेंसिल की हेल्प से लाइट लाइनिंग कर सकते हैं और उस पर ओवरराइटिंग कर सकते हैं। मैंने कलर्स लिए हैं लाइट पर्पल, डार्क पर्पल, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू। ध्यान रखें जब हम ब्रश पेन करेंगे तो वाटर कलर सूख चुका हो। अब मैं पोस्टर कलर की हेल्प से शाइन दिखा रही हूँ। लास्ट लुक ऐसा दिखेगा। अगर आप बनाएंगे इस आर्ट वर्क को तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मेरे साथ इसे शेयर करिएगा। मेरे आर्ट के वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।